चुनाव आयोग ने गुजरात से पूरे हिमाचल के चुनावों की घोषणा कर पक्षपात किया है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वर्ष 2012 में हिमाचल और गुजरात के चुनावों की घोषणा एक साथ की गई थी, मगर इस बार हिमाचल के चुनावों की घोषणा गुजरात से पहले कर दी गई। हालांकि चुनाव परिणाम दोनों ही राज्यों के एक साथ 18 दिसंबर को घोषित होंगे। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में गुजरात से पहले चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद 5 साल के शासन के दौरान कांग्रेस की सरकार ने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं, जिसके दम पर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, जबकि दूसरी ओर भाजपा में बगावत हो रही है। कई विधायकों के टिकट काटे गए हैं, संघ और एबीवीपी से जुड़े लोगों को टिकट दिया गया है, यहां तक कि प्रेम कुमार धूमल भी कई बैठकों से बाहर निकल गए हैं। भाजपा में बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के पास सशक्त नेतृत्व है और जीतने वालों को ही टिकट दी जा रही है। विकास के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और दोबारा सत्ता में वापसी करेगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए अनिल शर्मा के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी कोटली कॉलेज का विरोध नहीं किया, अगर मैं विरोध करता तो कोटली में कॉलेज नहीं खुलता। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल शर्मा कांग्रेस में घुटन की बात कर रहे हैं, मगर इस तरह के बहाने बनाना गलत है। कौल सिंह ने कहा कि पंडित सुखराम के प्रति उनके दिल में आदर सम्मान है, उन्होंने प्रदेश के लिए बहुत काम किया है, लेकिन अनिल शर्मा के भाजपा में जाने से पंडित सुखराम भी खुश नहीं हैं। लोगों को मतलब मिसगाइड करना, अगर मैंने विरोध करना होता, मेरा स्वास्थ्य विभाग था, मैंने कुंडो में प्राइमरी सेंटर दिया, कड़को में प्राइमरी सेंटर दिया, ये चार उनको स्वास्थ्य उप केंद्र दिए, कोटली सिविल हॉस्पिटल बनाया 50 बिस्तरों का, तो ये बिल्कुल सरेआम झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और ये बोलना कि भाई मुख्यमंत्री महोदय ने भेदभाव किया, मैं घुटन के व्यक्तिगत रहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो एक घुटन आज तक मेरे पास भी आते थे, बैठते थे, कभी घुटन की बात ही नहीं हुई है। सिर्फ एक मतलब ये कह देना कि जी वो उसको मंच पे नहीं जाने दिया, अब हमें तो पता नहीं था मंच पे किस किस को बैठ जाना था, किस किस को नहीं जाना था, लेकिन ये बहाना बनाना पर गलत है। इतना अच्छा चौटा था, इतनी अच्छी शान थी, इसकी खूबसूरती थी, शिवरात्रि में सभी देव के चौटे में बैठते थे, क्या बना दिया चौटे का? हम सोचे थे कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया, वीरभद्र सिंह ने इनकार किया, मैंने इनकार किया, ये सारी इसकी प्लानिंग थी सारी। यहां के व्यापारी आए, सर्किट हाउस में मिले, जब शिलान्यास किया सीएम साहब ने, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा भी ये मत करो, क्या ये नाली बना रहे हैं आपको, ये खड्ड की तरह और उसके ऊपर ऊंचा क्यों रेज कर रहे हैं, और क्या लगा दी दीवारी, अपने सारी सोब खराब कर दी उसकी, अब शिवरात्रि के देवते आएंगे वो कहां बिठाएंगे उनको। मगर अनिल शर्मा को सलमान खान का घमंड है, वे ही उनको वोट दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक अनिल शर्मा कांग्रेस पार्टी में थी, कौल सिंह ने कहा कि अनिल शर्मा ने चौहट्टा बाजार का बेड़ा गर्क कर दिया, जबकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और वे स्वयं उनके पक्ष में नहीं थे, लेकिन अनिल शर्मा ने किसी की भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर चौहट्टा की पुरानी स्थिति बहाल की जाएगी। कौल सिंह ठाकुर ने शिवरात्रि मेले पडल मैदान में ही करवाने की बात कही, लेकिन मैं सोचता हूँ वो भी बीजेपी में जाने के लिए दिल से तैयार नहीं थे। किसी आदमी ने मुझे कहा, जो उनका बहुत क्लोज है, कहते जी मेरी टेलीफोन पर बात हुई तो पंडित सुखराम के हैं, अब क्या हालात बने, कितने रोने की स्थिति में थे। और अनिल शर्मा जी को शायद सलमान खान पर घमंड है कि सलमान जी आएंगे वोट दिलाएंगे, सलमान ने उनको जो है बीजेपी जाने के लिए कहा हो। मैंने ये कहा था कि भाई कुछ लोग जो है 5 साल तो सरकार की मलाई चाटते रहे, ये कहते हैं मलाई का मुझे पता नहीं है, तो ये एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर थे, इनको तो मलाई मिलती है, दूध भी बिकता है, मलाई भी बिकती है, घी भी बिकता है, छाछ भी मिलती है।